टाइम मैं मैगी 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 खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कद्दू बनाने वाली हूँ अब मैं। मम्मी ये मेरे कद्दू को देख के आपको क्या लग रहा है? ब्लैक चूक लग रहा है। ये क्या होता है? मेरे को मन कर रहा है। मम्मी कह रही मेरे को भी मन कर रहा है। देखो मेरी मम्मी को कैमरे में आने की बड़ी जल्दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रुचिकास किचन, सॉरी रुचिका व्लॉग्स। सो आज की वीडियो में मैं 24 आवर्स का चैलेंज करने वाली हूँ, मैगी चैलेंज करने वाली हूँ। तीनों टाइम मैं मैगी 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 खाऊंगी। अभी ब्रेकफास्ट है, सो ब्रेकफास्ट का टाइम है। वो मैं मैगी इसलिए खा रही हूँ क्योंकि अभी घर पे बनी है नमकीन सेवियाँ जो कि मुझे नहीं पसंद, तो मेरी पसंद का जब नहीं बनता है तो मैं खाती हूँ मैगी। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे दिन ही मैगी खा लिया जाए। सो इसलिए अभी इस वीडियो में मैं लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट में मैगी ठूसूंगी खाऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप चाहते हो मैं कोई और चैलेंज करूं तो आप मुझे बता सकते हो, और अगर चाहते हो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइड में आईडी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करना। सो अब हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। सो अभी मैं मैगी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट के लिए, और साथ में ये कट करने वाली हूँ। सो पहले हम इसको कट कर लेते हैं। सो अब ये कट चुका है, और अब हम गैस पे चढ़ा देते हैं इसको। सो मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल मैगी। तो सबसे पहले तेल, देन फिर जीरा, क्योंकि जीरा मुझे बहुत पसंद है इसलिए, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देन प्याज, और फिर उसके बाद हम अच्छे से मिक्स करके देन हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे। ऐसा तो हर कोई बनाता ही है, सो सबको पता ही होगा, बट कोई नहीं फिर भी मैं बता रही हूँ। सो मैगी नॉर्मल लंबी लंबी भी अच्छी लगती है, बट मेरी आदत है इसे तोड़ने की, सो इसलिए मैं इसको तोड़ के कचुम्बर बना देती हूँ हमेशा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसमें मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, और मैगी भी अब पकने में टाइम लगेगा थोड़ा। सो अभी बन के रेडी हो जाएगी तो फिर मैं खाऊंगी। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सो अब ये रेडी हो चुकी है। सो गाइज मेरी मैगी बन चुकी है, अब इसको मैं खाऊंगी। और आज ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं, लंच भी करना है, एंड देन अभी पहले इसको खा के देखते हैं कि कैसा बना है। स्कूल में हम ऐसी सूखी सूखी मैगी लेके जाते थे ना, तो लंच के टाइम पे इतना टेस्टी लगता था, और अभी ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है क्योंकि मेरे को लग रही थी भूख और थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं अभी मैं इसको खाती हूँ। अब हम मिलेंगे लंच में डिफरेंट रेसिपी के साथ। सो गाइज अब हो चुका है लंच टाइम, और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पता नहीं क्यों, बट अब हो गया है लंच टाइम, तो मुझे फिर से मैगी का कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। देख क्या बनाऊँ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, पर अब मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ, चाउमीन जैसा कुछ ट्राई करूँ, जैसे चाउमीन की रेसिपी होती है वेनेगर सोया सॉस वगैरह डल के, और फ्राइड राइस में भी डल जाता है कभी कभार सोया सॉस और वेनेगर। सो वैसा ही कुछ डाल के मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, और देखती हूँ अगर चिली सॉस हुआ तो मैं चिली सॉस भी डाल दूँगी और बटर भी डाल दूँगी। कद्दू बनाने वाली हूँ अब मैं, देखते हैं मेरा कद्दू कैसा होता है।
खाने में. सो लेट्स सी. और आप देखो ये, और मेरे को तो अभी से ही अजीब अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है. पता नहीं मैं क्या बनाने वाली हूँ ज़िंदगी में. पहली बार मैं ऐसा खाने वाली हूँ मैगी, क्योंकि ज़्यादा गल जाती है. चाउमीन थोड़ी टाइट रहती है तो वो अच्छी लगती है खाने में. सो ये मैगी का मुझे नहीं पता, कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा लगने वाला है. सो आप ये वीडियो एंड तक देखो. ज़्यादा कुछ न्यू नहीं है. जैसे सुबह किया था प्याज और मक्खन, मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन है, और प्याज कर रही हूँ अब. और नॉर्मल है, करना है बस. न्यू चीज़ जो ऐड होनी है वो है विनेगर और सोया सॉस. तो अब मैं विनेगर डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, फिर सोया सॉस डाल देना है, देन इसको मिक्स करना है अच्छे से. मिक्स करने के बाद मैगी ऐड कर देनी है, फिर थोड़ा सा वाटर ऐड कर देना है. कुछ न्यू नहीं है, सिर्फ न्यू है तो विनेगर और सोया सॉस के अलावा कुछ नहीं है. मसाला ऐड कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड कर दूंगी. फिर ऐड हो जाएगा मैगी. पता नहीं है मैंने क्या बना दिया. खा के पता चलेगा कि ये क्या बना दिया मैंने, क्या बना दिया. आई डोंट नो. मम्मी ये मेरे कद्दू को देख के आपको क्या लग रहा है? ओ ये तो ब्लैक चूक लग रहा है. ये क्या होता है? ब्लैक चूक क्या होता है? जो नींबू होता है बड़े बड़े गांव घर में मिलता है, वो नींबू को जब जूस निकाल के जो पकाते हैं ना, इतना ब्लैक होता है और इतना खट्टा होता है, जैसे लग रहा है देखने में ऐसे लग रहा है. क्या आपको भी ये मम्मी का बोला हुआ ब्लैक चूक लग रहा है? ये बन चुका है. मेरे को मन कर रहा है. मम्मी कह रही मेरे को भी मन कर रहा है. चलो फर्स्ट बाइट मम्मी को ही खिला देते हैं, कैसा बना है देखते हैं. अच्छा लग रहा है. बढ़िया लग रहा है. मैं सोची ब्लैक चूक. ब्लैक चूक बढ़िया लग रहा है. कैसा लगा, कैसा लगेगा मुझको? बस थोड़ा सा सोया सॉस ज्यादा हो गया, बट मम्मी को देखो. मम्मी फुल कॉमेडी कर देती है मेरी. तो थोड़ा सा सोया सॉस ज्यादा हो गया पर टेस्टी लग रहा है. आप लोग भी ट्राई करना. बट मेरी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया है और इतना बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा नमक लग रहा है बट कोई नहीं. तो अभी इसको हम खाते हैं. मेरी मम्मी को देखो, मेरी मम्मी को कैमरे में आने की बड़ी जल्दी है. मे भी शायद अगर मैं इसमें गाजर और कैप्सिकम डाल देती तो और ज़्यादा चाउमीन वाली फीलिंग आती, बट जो घर पे अवेलेबल था वो उसी पर बनाना था. सो हियर आई एम. और मैं खा रही हूँ मैं ये. अब हम मिलते हैं डिनर टाइम में. सो गाइस अभी शाम हो चुकी है और मैं अपना डिनर शाम को करती हूँ. मैं सुबह और शाम में ज़्यादा अच्छे से खाना खाती हूँ, रात में नहीं खाती. रात में सिर्फ दूध पीती, पीकर हल्दी वाला दूध पीकर सो जाती हूँ. सो इसलिए
मैं अभी खाऊंगी मैगी। तो अभी सिर्फ मैगी नहीं बनाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कुछ डिफरेंट ट्राई करूं। तो हम हमेशा एग रोल खाते हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मैगी का रोल बना के खाऊं। सो लेट्स सी ये कैसा होता है, कैसा लगता है। फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी ये वाला भी रेसिपी, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करूंगी। सो लेट्स सी कैसी लगती है। और देखो, मैंने आटा गूंद के रख लिया था पहले ही, और मैं आटे का थोड़ी हेल्दी बनाऊंगी यार, मैदा मैदा खा खा के मैदे जैसी हो जाऊंगी। सो इसलिए अब मैगी तो मैदा है ना, तो इसलिए अब आटा का मैं पहले रोटी बनाऊंगी, उसके बाद और मैगी चढ़ा दूंगी। मैगी नॉर्मली बॉईल करूंगी सिर्फ उसके मसाले के साथ। सो देखते हैं कैसा होता है। बड़ी रोटी और ये मेरी मैगी, अब मैं इसको फ्राई करते हैं हम। वहाँ मेरी मम्मी ने धनिया टमाटर की चटनी बनाई थी, तो इसका यूज़ मैं अपने मैगी के रोल में करने वाली हूँ। तो मेरा डिनर भी रेडी हो चुका है शाम को, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। मैगी रोल, थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्राई हो गया रोटी, तो इसलिए थोड़ी वैसी लग रही है टाइट टाइट क्रम क्रम वाली। ये वाली ठीक हुई है, तो मैं अभी इसको खाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा लगता है मुझको। मम्मी ने जो ये चटनी बनाई है धनिया और टमाटर की, उससे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता आज। ओह या, वैसे सुबह मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और पता नहीं क्यों मैगी से मेरा पेट नहीं भरा था, तो मुझे दिन में बहुत जल्दी भूख लग गई, तो मैंने खा लिया। और अभी मैं रोटी के साथ, वैसे मैंने पकोड़े सोचे थे, बट पकोड़े के लिए सामान नहीं था, कम था, सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा यार छोड़ो हम ये बनाते हैं, इससे मेरा पेट भी भर जाएगा और बस रात का कोटा पूरा हो जाएगा। मम्मी आपको खाना? नो थैंक यू। नो थैंक यू मम्मी, कह दी जो तूने बनाया वो तू ही खा। वैसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ऐसा बना सकते हो, अगर आपके घर पे चीज़ वगैरह भी मौजूद है ना, तो आप इसमें डाल के बनाओगे तो और भी ज़्यादा यम्मी लगेगा। मेरे घर में जो अवेलेबल था मैंने उसी से ट्राई किया है, ये वाला ओके ओके है। बाकी सुबह वाला तो हम हमेशा बना के ही खाते हैं, दिन वाला मैंने सबसे क्या बोलते हैं पहली बार ट्राई किया था वो वेनिगर और सोया सॉस डाल के, इतना भी बुरा नहीं लगा, अच्छा लग रहा था। मम्मी बोल रही थी ब्लैक चक। मेरा डिनर ख़त्म हो गया है, जैसा भी था अच्छा था, अच्छा चैलेंज किया है मैंने, कितनी शिद्दत से चैलेंज किया है। सो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगी तो भी लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हो मैं कोई और चैलेंज करूँ, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में,
और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और अगर चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना तो साइन मैगी दिख रही होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो जाके फॉलो करो। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।